निशान साहब, फिरोज साहब, असद साहब और तमाम अजला के जो चीदा चीदा कारकुन है, मौजूद है और ये इंशाल्लाह कारवा आगे बढ़ता जाएगा। अब कडाप में हमारे साथ लोग आएंगे, कारकोट में लोग आएंगे और इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों से लोग शामिल होते रहेंगे। ये हैदराबाद, हैदराबाद से आगे और ये जो है ये एक सैलाब की शक्ल इख्तियार करेगा, वो सैलाब जो नवाज शरीफ का सैलाब है, वो सैलाब जो जम्मू का सैलाब है। ये सैलाब जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इमरान नियाजी और उसके साथियों को बहा के ले जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे सोशल मीडिया के भी लोग हैं, यहाँ पे लेबर विंग के हमारे लेडीज विंग भी पूरी है, पूरी मिनार्टी विंग भी है, हमारे हैं, तो हम ये सारों को और मैं समझता हूँ जो आपने इन हालात में कोशिश की है, काबिश की है और मैं कौम से दुआ करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ करें कि हम अपने मकसद में कामयाब हो और ये अमन का काफिला, ये अमन का काफिला है। आपको हम सरप्राइज दें, सब जल्दी है इंशाअल्लाह, मियां साहब का अक्स करेगी इसकी क़यादत, मरियम नवाज करेगी हमारा खाली दोबारा करा दी। मरियम साहबा के साथ शहबाज हैं और हमारे कायदे इंकलाब और पार्टी सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। लोग तंग आ गए मीडिया, आप लोग तंग आ गए, आपके ऊपर कतलन है, आपकी जबान बंदी है, लोग इजहार राय नहीं कर सकते। अभी भी मुझे कोई बता रहा था फिरोज भाई या दीगर कि हमारे काफिलों को भी इन्होंने रोक दी कोशिश की, तो ये हथकंडे ना करें और इमरान खान जितनी जो लोग रोकना चाहते हैं वो रोक लें, फोन भी करते हैं अब राज होगा, अब ये शेर जो है शेर का सिंबल ये राज करेंगे, अब नौजवानों को लैपटॉप मिलेगा, अब बेरोजगारों को वजीफा मिलेगा, अब फिर से आटा 35 रुपये के जी होगा, फिर से पेट्रोल 70। लाहौर बना है ये देखें, कराची भी लाहौर बनेगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अमन भी दोबारा आएगा, नवाज शरीफ भी दोबारा आएगा इंशाल्लाह। Thank you.